हम लोग परेशान हो चुके हैं, दतिया मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर उन्हें जबरन रोक लिया गया है। गुजरात से चलकर जब आए तो किसी ने कहीं नहीं रोका। राजकोट गुजरात से आया हूँ और लाहौर जाना चाहता हूँ। मैं आ गया था, यहाँ रिक्शा मेरी रोक ली है और आगे जाने नहीं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते एक ओर जहां लॉकडाउन की स्थिति है तो वहीं गेहूं उपार्जन केंद्र पर चल रही गेहूं की खरीदी में भारी अनियमितताएं की शिकायत मिल रही है, जिसको देखते हुए तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने नौगांव तहसील अंतर्गत खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में तहसीलदार को भारी अनियमितताएं मिली, जिसको लेकर संबंधित केंद्र प्रभारी को सख्त लहजे में निर्देश दिए और भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं बरतने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। हाँ, वहाँ पे जब हमने अनाज दिखवाया जो है तो देखा गया कि वो नॉन इफेक्टिव है। उस पर बहुत मात्रा में राई मतलब दूसरा अनाज या फिर जो छोटे छोटे टुकड़े पाए गए तो उनको हमने फिर से जो है तुलवाने का वहाँ पे आदेश दिया है। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 35 और 36 साल के युवाओं को भी जान गंवानी पड़ी है। बुधवार की रात 8 बजे तक छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण कि 325 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 17 अप्रैल को लिए गए 481 सैंपल में 209 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण को लेकर छतरपुर जिले के कुछ हालात ऐसे हैं कि एक दिन में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 35 और 36 साल के युवाओं की जान गई है। बुधवार की रात 8 बजे तक छतरपुर जिले के कोरोना संक्रमण के 325 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कोविड-19 संक्रमित मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए राज्य शासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों के जिला अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ साथ रेस्पिरेशन यूनिट की स्थापना और ऑक्सीजन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए 8 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से खंडवा को भी शामिल किया गया है। कोरोना महामारी के दौर में दवाओं की कालाबाजारी का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां पहले से लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं मेडिकल स्टोर मरीजों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरैना से सामने आया है। दरअसल मुरैना में कोरोना से ग्रसित मरीज मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था, जहां उसे MRP से ज्यादा रेट पर दवाई बेची गई। कितने के दिए? ये 680 की मेरे को दी और वो भी काली पॉलिथीन में पैक करके, पर किसी को दिखाना मत, बताना मत। बिल्कुल उसमें पर्ची चिपका के दिए? पर्ची चिपका दी है, ऊपर रेट में जो एक्चुअल रेट है उसको स्केल पेन से हटा के नहीं, और ऊपर फर्जी पर्ची चिपका दी। शहडोल जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाज सेवियों के साथ साथ सत्ताधारी नेता भी इस महामारी से लड़ने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, जिसको लेकर शहडोल भाजपा जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने मेडिकल कॉलेज शहडोल को 2 वाटर डिस्पेंसर और जिला चिकित्सालय को 2 वाटर डिस्पेंसर दिए हैं। आज हम लोगों ने वाटर डिस्पेंसर दिया हुआ है, जिसमें गर्म पानी भी है, नॉर्मल पानी का भी है और ठंडे पानी का भी, मगर ज़्यादातर गर्म पानी यूज़ हो रहा है। धार जिले के सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम खड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सादलपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बिलौद खड़ी निवासी जीवन नामक व्यक्ति के घर पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जीवन के घर से 240 पेटी शराब और गोवा अंग्रेजी शराब की 14 पेटी जब्त की है। तो बड़ी मात्रा में शराब मिली, उसमें एक आरोपी मनीष राठौर पिता मुकेश राठौर निवासी नौगांव का भाग गया, जो जीवन के साथ मिलकर स्मगलिंग करता है, और जीवन और गौतम मनावत ये दोनों पकड़े गए हैं, और जीवन के घर में से बड़ी मात्रा में शराब मिली। संकट के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कोठारी ने 40 लोगों की जान बचाने की शुरुआत कर दी है। भाजपा नेता कोठारी ने अपनी सामाजिक संस्था सरोकार के माध्यम से देश के अलग अलग इलाकों से भोपाल के लिए 40 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है। ऐसी ऑक्सीजन लेकर हम उनके घर पहुंचाएंगे और कम से कम एक दो दिन का वो प्रोसीजर, जब तक उनको रिलीफ महसूस नहीं होता वो उनके घर पे रहेगा, बाद में वो अपने आप में हॉस्पिटल शिफ्ट हो सकती है, रिलीफ महसूस करती है उनके ऊपर है। बड़वानी जिले के सेंधवा में कोरोना के फैलने के बाद वर्तमान मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मरीज परेशान हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस समय ऑक्सीजन की है। ऐसे में सामाजिक सरोकार निभाते हुए बालाजी सेवा समिति द्वारा सेंधवा सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन डोनेट की गई है।
बहुत धन्यवाद समिति का, हमें निरंतर ऐसे इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरतें पड़ रही हैं, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि अभी हमारे सिविल अस्पताल में भी काफ़ी लोग भर्ती हैं, हमारे जो दोनों CCC बने हुए हैं वरला और जामली में, उनमें भी बहुत लोग भर्ती हैं और हमें लगातार इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बड़वानी जिले के सेनवा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पताल के बाहर कोविड सेंटर की महत्ता बढ़ गई है, जहां एसिम्प्टोमेटिक और साधारण लक्षण वाले मरीजों को रखकर उपचार किया जाता है। ऐसे ही एक कोविड सेंटर के लिए सेनवा के रघुवंश पब्लिक स्कूल ने पहल करते हुए अपने परिसर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बड़ा भवन देने की पहल की है। रघुवंश जो पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, इसमें मैं आया हूँ, एक बहुत बढ़िया स्कूल में, इसमें जो हॉल है इसको कोविड सेंटर बनाने के लिए यहाँ के जो संचालक लोगों से बात हुई है, और ये मुझे लगता है उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये बहुत कुछ योगदान करना चाहते हैं। सिंगरौली जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कोरोना कर्फ्यू 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। उन्हीं लोगों को सड़क पर निकलने की छूट है, सिर्फ यात्रियों को कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। देश भर में इस समय कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की हालत भी खराब है। दतिया में कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन 200 का आंकड़ा पार कर रही है। आज गुरुवार से दतिया में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, दूध सब्जी राशन की दुकानें पूरी तरह बंद है, गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। नौगांव शहर के ईशानगर तिराहा पर भूमाफियाओं ने शासन की बेशकीमती जमीन पर कोरोना कर्फ्यू की आड़ में कब्जा कर लिया है। वहीं नगर पालिका से बिना अनुमति लिए निर्माण कार्य भी कर लिया है। मामला जब तहसीलदार पीयूष दीक्षित के संज्ञान में आया तो उन्होंने मौका मुआयना किया, साथ ही अवैध निर्माण के संबंध में सघन की कार्रवाई की और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर पालिका की जो अनुमति सेक्शन है, तकनीकी सेक्शन, उनसे मेरी बात हुई थी, सब उनके द्वारा बताया गया कि कोई भी अनुमति भवन निर्माण की नगर पालिका लोगों से नहीं ली गई है, इसके संबंध में नोटिस भी जारी किया है। शमशाबाद में लॉकडाउन के चलते कुछ नगर के व्यापारी दुकानों के अंदर से व्यापार कर सामान बेच रहे थे, जिसकी जानकारी प्रशासन को मिली। प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई कर दुकानों को सील कर दिया। लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र से नदारद रहे सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बड़े दिनों बाद दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दर्जनों मरीजों के परिजन उनसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाते नजर आए। मरीजों के परिजन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से ऑक्सीजन को लेकर रोते नजर आए। वहीं एक व्यक्ति जब प्रहलाद पटेल से रोता विलखता ऑक्सीजन की बात कर रहा था, तो केंद्रीय मंत्री ये कहते नजर आए कि ज्यादा करेगा तो दो खाएगा। ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी, हमारी माता राम को व्यक्ति खाने को पड़ी है। बताओ क्या तो ठीक रखो कि ऑक्सीजन और इंजेक्शन ये डॉक्टर को ही उसकी मर्जी से देने दें, इसमें सिफारिश की चिंता ना करें, खुद फैसला ना करें, ये मेरी विनती है। शिवनी में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन 100% हो सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है, जो गांव गांव जाकर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल छपरा विकासखंड में आने वाले भेड़की के ग्राम में स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचा था, जहां महिलाओं ने वैक्सीन लगाने से इनकार करते हुए हाथों में डंडे लेकर स्वास्थ्य विभाग और पंचायत के अधिकारियों को खदेड़ दिया। शाजापुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सोसाइटी दिल्लोद के प्रबंधक कमल कारपेंटर राजेश ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। राजेश ने बताया कि यहां मेरे पिता करण सिंह के नाम पर गेहूं तुलवाने का नंबर आया था, लेकिन यहां के प्रबंधक कमल पटेल ने मुझसे 10,000 रुपए की मांग की है। 5,000 ले ले रिश्वत कमल मुंशी ने, और धंधुरिया था इस गाँव में, तो 5,000 का आधी चाली तोला ले, आधी चाली रोक की। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूँ कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षणों तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं, और हां,
45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहने। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए विधायक द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दवा कुछ दुआ की युक्ति पर चलते हुए बुधवार को रामनवमी के पावन अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा स्थानीय गायत्री मंदिर में आयोजित गायत्री महायज्ञ में विधायक जसपाल सिंह जज्जी शामिल हुए और यज्ञ में आहुतियां दी। इस दौरान युवा नेता प्रवीण तायडे, दिग्विजय रघुवंशी भी यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञाचार्य पंडित अवध बिहारी दुबे द्वारा विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण आहुति दी गई। महायज्ञ समापन के दौरान दीप जलाकर दीप महायज्ञ का अनुष्ठान भी श्रद्धा पूर्वक किया गया। आज के दिन से शुभ अवसर मुझे नहीं लग रहा था कोई और हो सकता है। हमने आज हवन यज्ञ के इसी उद्देश्य को लेकर प्रभु इस दुनिया पे जो महामारी का संकट है उससे दुनिया को उबारे, और उसमें हमने महामृत्युंजय जाप के साथ आहुतियां दी। सिरोही नगर में आंशिक छूट के साथ 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नगर के बाजारों में मुनाफाखोर समाज के दुश्मन दुकानदार अपनी दुकानों के शटर लगाकर बाहर बैठे रहते हैं और ग्राहकों को मौका देखकर दुकान के अंदर कर लेते हैं। ऐसी ही घटना में कुछ दुकानदार ग्राहक को बुलाने को लेकर आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ तो प्रशासन सख्त है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग व कुछ अन्य लोग बाजारों में घूमते फिरते नजर आ रहे हैं और यह लोग मौका पाकर खरीदारी करते हैं। इन लोगों में कोरोना वायरस का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छतरपुर जिले के नौगांव से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में ना ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। फिर भी प्रशासन का ग्रामीण इलाकों में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जहां कोरोना जैसी महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। वहीं पर ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। यदि वायरस ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है तो फिर क्या होगा, इसका जवाबदार कौन होगा। भोपाल के हमीदी अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मामले में कुछ बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमीदी अस्पताल में जांच के बाद कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ सकते हैं। वहीं इंदौर और भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि दोनों शहरों में भारतीय सेना के हवाले छोड़ देना चाहिए, तभी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सकेगी। देखिए क्या है कि प्रशासन और सरकार, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि महामारी जिस तरह से फैली हुई, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं, लोगों की जान जा रही है, सरकार क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, समझ में नहीं आ रही क्या करें। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी को सौंपा जाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जनता से सहयोग करने की अपील की। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अगले 8 दिन में 1500 बेड तैयार किए जाएंगे, जिसमें 100 आईसीयू बेड होंगे। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अभी 65 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है।
ये जरूरत 125 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव पर विजय बगी ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका बंगाल में कोई कार्यक्रम ही नहीं था, रैली नेता का झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं। देखिए, कल छठे चरण के चुनाव और मुझे लगता है कि कल ही हम कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ जाएंगे, कल के मतदान के बाद। सातवें आठवें में हमारी सीट 200 तक पहुँची है, तो हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और हम 100% सरकार बनाएंगे। मैं आपको बहुत जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाऊँ। कोरोना से संक्रमित होकर यशवंत पाल पिछले साल शहीद हो गए थे। तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी रहे यशवंत पाल की शहादत को आज एक साल पूरा हो गया है। बुधवार को नीलगंगा थाने में उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मौजूदा नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने कोरोना से संक्रमित होकर शहीद हुए तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, हमारे यशवंत पाल साहब जो तत्कालीन थाना प्रभारी नीलगंगा थे, उनके द्वारा जो है कोरोना काल में सतत रूप से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए जो है वो उससे संक्रमित हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु थी, जिन्हें जो है सरकार द्वारा शहीद का भी दर्जा दिया गया। आज उसकी उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी और आज हम लोगों ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि को ही याद करने के लिए पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रातमाटी गांव के पास से उसे हिरासत में लिया है। काम धंधे को लेकर पिता से विवाद हुआ था। आरोपी की पड़ोसियों से भी अनबन चल रही थी। आरोपी को 6 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया गया है। कल आरोपी संदू पारधे ने मरौड़ मारकर पिता और 2 पड़ोसियों की हत्या कर दी थी। कोरोना संक्रमण से जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है उन्हें छतरपुर के सत्यसाल चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कलेक्टर चिरंजीव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर होम डिलीवरी के लिए 3 वाहन चालू कराए हैं, फल सब्जी वाहन, किराना वाहन, काला चाय वाहन। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने छतरपुर के छत्रसाल चौक पर कोरोना कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया और लोगों से अपील की कि कल से हर दुकानें बंद रहेंगी, केवल होम डिलीवरी पर ही सामग्री उपलब्ध हो सकेगी और गांव की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। अब आवागमन बंद रहेगा। जहां पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है जिन मोहल्लों में, जो कि आपके सुझाव से या बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके इनपुट से पता लगता है, तो वहाँ की निगरानी हम लोग एक्टिव पेट्रोलिंग, इसका मतलब है लगातार वहाँ पे हम बाइकें चलाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि लोग वहाँ घर पे कम से कम निकलें। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अब स्थानीय प्रशासन शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनजागृति रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहा है। सीहोर जिले सहित आष्टानु विभाग में रोजाना जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसने आम जनजीवन को सख्ती में डाल दिया है। जिले स्तर पर जहां वायरस की चेन तोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं संक्रमित मरीजों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये जो शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं और आप अपने आप को तथा अपने परिवार को इन्फेक्टेड होने से बचाएं। कलेक्टर आशीष सिंह ने 21 अप्रैल 2021 बुधवार से टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा विवाह समारोह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। उज्जैन में बुधवार से जो भी सड़कों पर दिखेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में कोरोना और अन्य बीमारियों से कई लोगों की लगातार मौत हो रही है, जिससे शहर भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर जनहित में बड़ा फैसला लिया है। कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन ज़िले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है। मोहन बड़ोदिया स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर संदीप ठाकुर ने गुंडागर्दी के चलते स्थानीय पत्रकार गोविंद कुंभकार को गाली कर उसकर जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर ने पुल पर अश्लील गालियां देते हुए घर से उठाकर जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर मोहन बड़ोदिया स्थानीय प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ पीड़ित पत्रकार गोविंद कुंभकार थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के पास शिकायत में कहा गया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो प्रेस क्लब उग्र आंदोलन करेगा। मोहन बड़ोदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर संदीप ठाकुर का मेरे पास सुबह 9:11 का लगभग फोन आया और बताया गया उनके द्वारा कि तुम बहुत ज़्यादा डेढ़का लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा पत्रकारिता आ रही है तुम्हें, तुम्हें घर से उठा लूँगा और तुम्हें जान से मार दूँगा। दमोह जिले से ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लूटने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। अब इसमें कोई करे भी तो क्या करे, शासन प्रशासन तो दमोह में चुनाव कराने में व्यस्त है, फिर चुनाव के दौरान यदि जान जाती हो तो जाए, किसी को ऑक्सीजन दबाव की कमी आती है तो आए, पहले चुनाव कराए जाएंगे बाद में कोरोना महामारी से निपटा जाएगा।
जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से जंग जीतने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में व्यस्त उनका महकमा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से कोसों दूर नजर आता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट करते ये लोग बेवसी और लाचारी में ऐसा करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका कोई अपना अस्पताल में कोरोना से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर शासन प्रशासन ने चुनाव से ऊपर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को रखा होता तो शायद आज हम ये तस्वीरें न देख रहे होते। दतिया जिले में कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने किसी भी आयोजन शादी समारोह पर रोक लगाई है, जिसको लेकर कई लोग शादी कराने की अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए और हाथ में शादी का कार्ड लेकर शादी के लिए अनुमति की मांग करने लगे। दरअसल शादी कराने की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि हम 5 से 10 लोगों में शादी करा लेंगे, बस हमें शादी करने की अनुमति मिल जाए। वही इस मामले में जिला कलेक्टर ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। कलेक्टर का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए किसी भी तरह के सामाजिक और पारिवारिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो हम 10 आदमियों में करना चाहते हैं, उसकी अनुमति लेने आए थे, वो मिल नहीं रही है, कैसे शादी की जाए। इसलिए ऐसे तमाम सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक समारोह टाले जाएं और उसको करने की अनुमति हम नहीं देंगे। रतलाम में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप एवं ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए चेतन कश्यप फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर प्लांट स्थापित किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इस प्लांट की क्षमता 57 मीटर क्यूब होगी। संभागायुक्त संदीप यादव ने फाउंडेशन को प्लांट स्थापना की अनुमति तत्काल दे दी है। कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने संभागायुक्त की अनुमति वाला पत्र फाउंडेशन अध्यक्ष एवं विधायक चंदन कश्यप को सौंपा है। इस दौरान SP गौरव तिवारी एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। तो मैंने निश्चय करा कि मेरे फाउंडेशन और परिवार की ओर से यह प्लांट मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाए और संभागायुक्त जो इसके अध्यक्ष भी है उनसे मैंने परमिशन मांगी, आज परमिशन मिल चुकी है। चैत्र नवरात्र के नवमी के दिन आज मध्य प्रदेश के दतिया में देवी मंदिरों का सन्नाटा पसरा रहा। विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्ति पीठ माँ पीताम्बरा मंदिर के कपाट भी देवी भक्तों के लिए बंद रहे। दतिया नगर की कुलदेवी माँ विजय काली मंदिर में भी इस दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए दतिया में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। यही कारण है कि देवी भक्तों ने आज अपने घरों में ही नवरात्र के आखिरी दिन नवमी की पूजा अर्चना की। देवी मंदिर पुलिस के पहरे में रहे। भक्तों का आना तो जिस दिन से लॉकडाउन लगा है तभी से बंद है, जब से नवदुर्गा स्टार्ट हुई है तभी से ये बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है, यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है। जिला अधिवक्ता संघ सीधे का चुनाव भारी विवाद और विरोध के बावजूद कल मंगलवार को पूरा हो गया। हालांकि सोमवार की रात करीब 10:30 बजे SDM गोपत बानस द्वारा चुनाव निरस्त कराने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव को नियमों के हवाला देते हुए चुनाव कराया गया। इस दौरान पुलिस हमले की मौजूदगी भी काफी रही। चुनाव के दौरान किसी तरह का विवाद निर्मित न हो और इसके लिए न्यायालय परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। और मंगलवार की रात तकरीबन 10 बजे आए चुनाव परिणाम जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पद के लिए बृजंत सिंह लगातार दूसरी बार निर्वाचित घोषित किए गए। इन चार लोगों के राजनीतिक करियर को सुधारने के उद्देश्य से ये अपना जो है जबरन चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ प्रपोन्ना कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चुनाव में तमाम दुनिया भर में ये बदनामी फैले। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इंदौर में बुधवार 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा अधिक सख्ती की जाएगी। अनावश्यक घूमने वाले और कार्रवाई का विरोध करने वाले गिरफ्तार किए जाएंगे। मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय भी बंद किए जा रहे हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अस्थायी सब्जी मंडी भी बंद कराई जाएगी, चुनिंदा पेट्रोल पंप भी चालू रहेंगे। अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाया जा रहा है, ये सभी की मांग भी है, शहर में बहुत लोगों ने मांग की है और सभी स्तर पे मांगे गई हैं कि सब जिस तरह की परिस्थिति है संक्रमण की, थोड़ा इसकी स्पीड को रोकने के लिए कुछ समय के लिए जनता कर्फ्यू होना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। प्रशासन द्वारा आज जारी किए गए बुलेटिन में 65 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 76 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। 65 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 76 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं 2 व्यक्ति की मौत जिला प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है। जबकि छिंदवाड़ा जिले में मौतों के आंकड़े कई आसमान छू रहे हैं। विदिशा जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक एक्टिव केस की संख्या 1869 हो चुकी है। जिले में कल 448 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विदिशा शहर में 314 नए पॉजिटिव मिले हैं। आज दिनांक तक 6771 मरीजों की रिपोर्ट जिले में पॉजिटिव आई है, जिनमें से 4746 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं, वहीं 85 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 448 केस जो है विदिशा जिले में पॉजिटिव आए हैं,
जिनमें से मंगलवार की यदि हम जांच की बात करें तो 944 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 448 पॉजिटिव निकले। विदिशा शहर की यदि हम बात करें तो विदिशा शहर में कल 314 मामले आए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सिवनी जिले के लखनऊ विधायक योगेंद्र सिंह और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते अपने क्षेत्र की जनता की मदद करने की बजाय गायब दिखाई दे रही है। इसके बाद लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने विधायक योगेंद्र सिंह और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के गुमशुदा होने की पर्ची सड़कों पर फेंक दी है। पर्ची में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें लिखा है गुमशुदा का पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। एम्स हॉस्पिटल में लगातार हो रही अव्यवस्थाओं के चलते चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग देर रात एम्स पहुंचे। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स के डायरेक्टर के अस्पताल में लगातार हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर बात की और उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराने की बात कही। वहीं देर तक चली इस बैठक में कलेक्टर और SDM को भी बुलाया गया और अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं को जल्द ठीक करने की बात कही, साथ ही मरीजों को बेहतर उपचार देने की बात भी कही। कोरोना महामारी के चलते बड़वानी जिले के सेंधवा में त्यौहार घरों में मनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में रहने को विवश हैं। रामनवमी त्यौहार पर वैसे तो प्रतिवर्ष भव्य आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार शासन प्रशासन द्वारा घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील की गई है। तो वहीं शहर के एक युवक ने घर में रहकर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए भगवान राम का चित्र बनाया। चित्र में खास बात यह है कि इसे गेहूं, राई, रेत, चावल और सिंदूर से बनाया गया है। चित्र में भगवान राम की अयोध्या के मंदिर की भी झलक दिखाई गई है। बता दें इस चित्र को बनाने में दिव्यांश अग्रवाल को 5 दिन लगे हैं। तो हम लोग भी हम चाहते थे कि बहुत हर्ष और उत्साह के साथ हर घरों में मनाया जाए, इसलिए मैंने यह सोचा कि इस प्रकार की कुछ पेंटिंग बनाई जाए ताकि जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है तो उसकी जो एक डिजाइन है, एक जो प्रकार से भव्य बनने वाला है, उसको अपन जनता के बीच में पहुंचाए। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार,